जिसे अब तक ना समझे वो कहानी हूँ मैं, मुझे बर्बाद मत करो पानी हूँ मैं। बहू बहू जी माँ जी कहाँ हो? माँ जी मैं किचन में हूँ। क्या कर रही हो? माँ जी मैं पानी की बॉटल फ्रिज में लगाने जा रही हूँ। अरे ये तो मैंने कल भरी थी। तो क्या हुआ माँ जी, हम इसे आज इस्तेमाल कर सकते हैं? मैंने कहा ना इसे फेंको और दोबारा साफ पानी भरो। माँ जी आपको पता है मार्केट में कितने दिनों पुराना पेट पानी मिलता है? हम उसे खरीदते हैं और इस्तेमाल भी तो करते हैं। ज्यादा जुबान मत चलाओ, मैंने कहा ना लाओ इधर। माँ जी इस पानी को मत गिराइए, माँ जी इस पानी को मत गिराइए। माँ जी आपको पता है हम इस पानी से सब्जियाँ धो सकते हैं, बर्तन धो सकते हैं, और तो और माँ जी हम इस पानी को पौधों को भी दे सकते हैं। माँ जी मत गिराइए पानी को, माँ जी मत गिराइए। ये लो और इसे दोबारा से भरो। माँ जी भी ना हमेशा ऐसा करती हैं, सारा पानी गिरा देती हैं और बोलती हैं ताज़ा पानी भरो, ताज़ा पानी भरो। अगर इसी तरह पानी की होती रही बर्बादी तो जल्द ही खत्म हो जाएगी आबादी। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। जल्दी निकल जल्दी निकल। माँ क्या हुआ बेटा? माँ आप शमिता से कहिए वो जल्दी निकले, स्कूल भी लेट हो रहा है। अरे मुझे नहीं पढ़ना तुम्हारे रोज रोज के झगड़ों में, अपने झगड़े खुद ही सुलझाओ, मैं जा रही हूँ काम करने। शमिता जल्दी निकल जल्दी निकल। मैं नहीं निकलूंगी बाहर मिका, आज मुझे फिर भी नहाए जाना पड़ेगा। जल है तो कल है वरना मुश्किल हर एक पल है। निकिता निकिता क्या हुआ? क्या है ये? अरे क्या हुआ, इस बार पानी का बिल बिजली के बिल से भी ज्यादा आया है। अब इसमें मेरी क्या गलती है? माँ जी हमेशा कहती है ताज़ा पानी भरो ताज़ा पानी भरो। भरती है मेरी बेटी ये कान, पड़ गई मेरे कलेजे में ठंडक। पर माँ जी मैंने किया क्या है? यहाँ पर तो कोई खोल भी नहीं सकता है, यहाँ पर तो मुँह खोलना भी पाप है। हे भगवान मुझे उठा ही ले, आज कल ये भवें बिना हाय मेरी फूटी किस्मत। हद होती है रोज रोज के झगड़ों की, मैं तो परेशान ही हो गया हूँ। जल ही है जीवन का आधार, इसके बिना सूना है संसार। माँ माँ। हाँ बेटा बोलो। माँ आप शमिता को समझाती क्यों नहीं हो? क्या समझाऊँ बेटा? कि शावर का इस्तेमाल कभी कभी तो ठीक है पर रोज 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 शावर यूज करने से आपको पता है पानी कितना बर्बाद हो जाता है। अगर वो शावर को छोड़कर बाती और मग का इस्तेमाल करे तो पानी भी बचेगा, वक्त भी बचेगा और ये रोज रोज के झगड़े भी नहीं होंगे। पर बेटा वो मेरी बात सुने तब ना। दीदी आप चिंता मत करो, सबको मैं समझा कर देखती हूँ। ठीक है। क्या तुम्हें पता है पानी हमारे लिए कितना कीमती है? और अगर हम पानी को इसी तरह बर्बाद करते हैं तो एक ना एक दिन पानी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। अफ्रीका में केप टाउन नाम की जगह है जहाँ पर पानी बिल्कुल ही खत्म हो चुका।